Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आप सबका मशकूर हूं, सरफराज मुफ्ती साहब का मशकूर हूं और हक तो ये है कि आज यहां पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो होना चाहिए था, क्योंकि ये मंसूबा उनका मंसूबा है। 1998 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और आज 2017 में उसका इफ्तिताह हो रहा है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये कैसा मंसूबा है कि फी एकड़, हर एकड़ पर वफाकी हुकूमत 11 लाख रुपए खर्च कर रही है, जो कि मामूली मंसूबा नहीं है। 80 अरब रुपए इस पर खर्च हुए, 2002 में शुरू हुआ लेकिन तवज्जो ना दी गई, आमरियत का एक लंबा दौर भी गुजर गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वो 5 साल भी गुजर गए लेकिन किसी ने पैसे ना दिए कि ये मंसूबा मुकम्मल हो सके। मंसूबे को आगे बढ़ाया, पैसे दिए मोहम्मद नवाज शरीफ ने और आज अल्हम्दुलिल्लाह मंसूबा आपके सामने है और इंशाअल्लाह डेरा मुफ्ती के अवाम की तकदीर ये मंसूबा इंशाअल्लाह बदलेगा। बलोचिस्तान का और खास तौर पर डेरा मुफ्ती और सूई के अवाम का कर्जा है पाकिस्तान के अवाम पर। आपकी गैस पूरे पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, पूरे पाकिस्तान ने तरक्की की। बहुत सी हुकूमतें आई लेकिन उन्होंने सिर्फ बातें की, आपसे वोट हासिल किया और बातें की। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जो बातें नहीं करती, काम करती है, अवाम के मसाइल को हल करती है। आज बलोचिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान के अवाम के हाथ में है। ये मंसूबा जो आप देख रहे हैं, ये दो सूबों के दरमियान एक मोहब्बत का मंसूबा है। 300 किलोमीटर कनाल जो है वो पंजाब से गुजरती है लेकिन पानी बलोचिस्तान के लिए आता है। सरफराज मुफ्ती साहब ने आपके पीने के पानी की बात की तो मेरी वज़ीर-ए-आला से भी बात हुई है, इंशाअल्लाह पीने का पानी डेरा मुफ्ती के लिए, सुई के लिए और गैस जो है ये आपका मसला नहीं, ये हमारा मसला है और ये इंशाअल्लाह हल होगा। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो आपको मिलनी चाहिए थी, हमने इससे पहले भी कोशिश की, कुछ बेहतरी हुई लेकिन इंशाअल्लाह पानी और गैस के मसले को मुस्तकिल तौर पर इंशाअल्लाह हल किया जाएगा। ये आप पर एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है कि जो माजी की कोताहियां थी उनको दूर करें और आपको ये महसूस हो कि पाकिस्तान के अवाम ने आपका कर्ज जो अदा करना है वो उसको अदा कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए, मैं इसको पेशनगोई नहीं कहूंगा, मुझे ये कहते हुए पूरा यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह बलोचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हकायक आपके सामने है। और मैंने डॉक्टर मालिक साहब जी कहा था, सलाउल्लाह जहरी साहब को भी कहा है, आप सबको भी कहता हूं कि आप देखेंगे कि अगर आपने
वोट के फैसले सही किए तो उसके सवरात आपको मिलेंगे। और ये लंबी बात नहीं है, ये चंद सालों की बात है कि बलूचिस्तान के वसाइल दूसरे सूबों से ज्यादा हुआ करेंगे। ये फैसले आपके हाथ में हैं, ये आपकी लीडरशिप ने फैसले करने, ये फैसले आपके हाथ में हैं। मुस्लिम लीग नून, मैंने पहले कहा, काम करती है, बातें जरा कम करती है। दूसरे लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम बहुत कम करते हैं। आज सिर्फ पानी के जो मंसूबे हैं बलूचिस्तान के अंदर, और इस पर हमारी अभी एक मीटिंग होनी है, हमने उस काम को आगे बढ़ाना है। ये 200 अरब रुपए से ज्यादा के मंसूबे इंशाल्लाह बलूचिस्तान में पानी के इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इसी तरह 25 अरब रुपया जो है ये बिजली के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। ये मैं उन मंसूबों की बात कर रहा हूं जो कागजों पर नहीं है, जो मौके पर इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे। जो सड़कों के मंसूबे हैं, मुझे अभी असल इकबाल साहब ने बताया, ये उसके जिम्मेवार हैं। 455 अरब रुपए के सड़कों के मंसूबे बलूचिस्तान में इंशाल्लाह बनाए जाएंगे, और इनमें से बहुत से बन रहे हैं, ये कोई कहने की बातें नहीं है, बहुत से मंसूबे बन रहे हैं। गैस के मामलात थे, आज आपके हर जिले के हेडक्वार्टर में 15 अरब रुपए की लागत से हर जिले के हेडक्वार्टर को बलूचिस्तान में गैस दी जाएगी। ये काम मौके पर शुरू हो चुका है। तालीम की अगर बात है तो मुझे एहसन इकबाल साहब ने बताया कि 21 यूनिवर्सिटियां बलूचिस्तान में इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत की मदद से या बनाई जा चुकी हैं या बन रही हैं। ये फायदा भी बलूचिस्तान के अवाम को मिलेगा। गवादर आप उससे बेहतर जानते हैं, गवादर एक वो जरिया है जिससे बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा इंशाल्लाह होगा। और मेरी अपने उन भाइयों से जो आज नाराज हैं उनसे दरख्वास्त है कि ये जो जिस गुमराही का आप शिकार हैं उससे हट जाएं और आकर अपने सूबे की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें, अपने अवाम की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। मुल्क की तरफ अगर आप देखें, इन 4 सालों में मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक न जाल बचाया। मुल्क में की तारीख में जो 70 साल में बिजली के मंसूबे लगे थे उससे ज्यादा बिजली के मंसूबे इस अरसे में लगाए गए, उसके असरात आप तक पहुंचेंगे। गैस के प्रोजेक्ट जो तातुल के शिकार थे, बने नहीं थे, गैस के मंसूबे बनाए गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह गैस की सूरत हाल मुल्क में बहुत बेहतर है। यूनिवर्सिटियों के मामलात को तय किया गया, पूरे मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियों में इजाफा किया गया। हमारी सबसे जो कीमती हमारी रिसोर्स है वो पानी है, इसको अशरों नजरअंदाज किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाशा डैम का मंसूबा जेरे तामीर है। ये वो मंसूबा है जो पूरे पाकिस्तान को पानी देगा। इससे पहले भी हुकूमतें ये काम कर सकती थी मगर नहीं किया। इसी तरह मोमन डैम का मंसूबा है, ये खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर इंशाल्लाह बदलेगा, इसके समरात पूरे पाकिस्तान तक जाएंगे। कुरम टंगी डैम आपके सामने है, और सबसे बड़ा जो कदम उठाया गया कि पानी के लिए एक अलहदा वजारत कायम की गई है कि मुल्क के पानी के मसाइल को हल करने के लिए आज मुल्क में एक अलहदा वजारत है जो खास तौर पर बलूचिस्तान के पानी के मंसूबों को हल करेगी। मैं इसी तरह बहुत से मंसूबे, आप यकीन करें कि अगर उनकी मैं लिस्ट आपके सामने पढ़ूं तो बहुत वक्त दरकार है। दासू का मंसूबा है, तरबेला 4 का मंसूबा है, तरबेला 5 का मंसूबा है। ये वो मंसूबे हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मैं
इस बात का जरूर ऐलान करना चाहता हूं, डोंकी दोस्तें डोंकी साहब ने भी कहा था कि पीर को और लोटी के लिए पानी का मसला है, इंशाल्लाह उस मसले को भी हल किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि यहां पर दो कंपनियां आपके इलाके में काम करती हैं, पीपीएल ये भी हुकूमत की कंपनी है, ओजीडीसी ये भी हुकूमत की कंपनी है। तो ओजीडीसी पीपीएल आपके सामने काम कर रही है, दीगर भी मंसूबे जो पानी या गैस के मंसूबे हैं या तालीम के हवाले से आपके मंसूबे हैं, इंशाल्लाह उस पर पीपीएल काम करती रहेगी। ओजीडीसी की तरफ से एक 50 बेड का अस्पताल डेरा बुगटी में 10 करोड़ रुपए की लागत से उसको कायम किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस में 60 इस इलाके के तलबा के लिए हर साल एक करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी स्कॉलरशिप के तौर पर। 4 करोड़ रुपए की लागत से इंटरमीडिएट कॉलेज को डिग्री का दर्जा दिया जाएगा, वहां पर हॉस्टल बनाया जाएगा और आमदोरफ्त की सहूलियात वहां पर मुहैया की जाएंगी। और इसी तरह 11 करोड़ रुपए की लागत से एक रेस्क्यू सेंटर कायम किया जाएगा जो इलाके में हादसात और दीगर मामलात को मरीजों के लिए वो सहूलियात मुहैया करेगा और इससे इस इलाके की बेहतरी होगी। तो मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि आज मुल्क के हालात आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को एक फैसला किया, हमें उस फैसले से इत्तेफाक तो नहीं लेकिन उसका एहतराम हम जरूर करते हैं। और आपने देखा कि मिनटों के अंदर वज़ीर आज़म ने हुकूमत छोड़ दी, फैसले को इंप्लीमेंट किया गया और 4 दिन में हुकूमत वापस आई, कोई मुल्क में इंतशार नहीं हुआ। यही जमहूरियत की फतह है, यही पाकिस्तान की अवाम की फतह है और ये आपकी फतह है, क्योंकि जब भी मुल्क में इंतशार होता है सबसे पहला निशाना तरक्की होती है, मुल्क की तरक्की रुक जाती है, ये मंसूबे रुक जाते हैं। इसलिए एक फैसला आपके सामने फिर अगले साल आना है, जून के बाद जब ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी वो फैसला आपने करना है। और फैसला आपने ये करना है कि क्या आप मुल्क या अपनी तरक्की चाहते हैं या नहीं चाहते। तमाम जमातों की कारकर्दगी आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं फिर कहूंगा, वो वाज जमात है जिसने हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचा, पाकिस्तान के मसाइल को हल किया, इलाके को तरक्की दी और पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। ये फैसले आपने करने होते हैं, इसके असरात भी आप तक पहुंचते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह डेरा बुगटी भी आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंशाल्लाह गढ़ साबित होगा। मैं आखिर में एक दफा फिर वज़ीर आला साहब का, सरफराज मुफ्ती साहब का, आप सब हजरात का मशकूर हूं, आपकी मोहब्बत का मशकूर हूं और इंशाल्लाह हमारा आपसे वादा है कि आपके इलाके के मसाइल को भी हल किया जाएगा, सूबे के मसाइल को भी हल किया जाएगा और सबसे बढ़कर हमने पाकिस्तान को तामीर और तरक्की के जिस रास्ते पर डाला है, जमहूरियत को फरोग दिया है, इस रास्ते को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। कच्ची कैनाल मंसूबे के इफ्तिताह के बाद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि इस मंसूबे की तकमील के साथ ही बलूचिस्तान में जो पानी की किल्लत है वो मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी। और उनका कहना था कि मुखालफीन सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं, नून लीग की हुकूमत सिर्फ काम करती है, मसला हल करके हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का अगर कोई सूबा सबसे ज्यादा अमीर तरीन होगा तो वो बलूचिस्तान हो।